को पावन अपनी हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेण क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कलशानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंद जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा चरण मम श्री कृष्णा शरण अहभाग्यशाली कल्याण कामनी देवियों बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों कर लो अपने मन को एकाग्र आने का ठोस लाभ उठा लीजिएगा। इन दिनों इस विशेष विषय पर चर्चा हो रही है अर्जुन के प्रश्न अर्थात एक उच्च कोटि के जिज्ञासु के प्रश्न और नारायण जगत गुरु के नाते से उत्तर। नारायण जी की ओर से यानी जगत गुरु की ओर से लाजवाब उत्तर दिए गए हैं। आपके इन दिनों बड़े काम आने वाले हैं जबकि आप साधना में लगे हुए हैं जुटे हुए हैं यथा मति यथा शक्ति। मेरी देवियां मेरे सज्जन मेरे धार्मिक भाई अपने आप को मोस्ट सीरियसली एंड सिंसियरली लगाए हुए हैं बड़े काम के उत्तर है। और ये प्रश्न अर्जुन के कहने को तो मैं ऐसे कहूंगा लेकिन ये प्रश्न तो हमारे हैं। ये सचमुच प्रश्न है नहीं ये हमारी शंकाएं हैं। नाम भले ही हमें प्रश्न रख दें लेकिन यथार्थ रूप में मेरे सज्जनों मेरी देवियों ये तो हमारी शंकाएं हैं और शंका दूर ना किया जाए तो संख्या बन जाती है जहर। किसके लिए? साधक के लिए। जहर क्या होती है? जो शरीर को मार देती है। और शंका क्या होती है? जो हमारी श्रद्धा की जान ले लेती है। श्रद्धा, हमारी श्रद्धा कब खत्म होती है? जब शंका हो जाए। और शंका अगर जल्दी निवारण न की जाए उसका समाधान न किया जाए तो श्रद्धा की जान गई। क्योंकि श्रद्धा तो प्रेम के आधार पर की जाती है ना। संसारिक रूप में जो प्यार होता है वो बातचीत करके हाथ मिला करके विचारों का आदान प्रदान करते हुए प्यार होता है। किसी के प्रति चाहे माँ बाप बहन भाई क्यों ना हो पति पत्नी क्यों ना हो कोई भावी पत्नी और भावी पति भी क्यों ना हो मिलने जुलने से। लेकिन भगवान की भक्ति सजनों देवियों देखो कैसी है। पहले देखा नहीं पहले अनुभव भी नहीं हुआ केवल महापुरुषों के शब्दों और अनुभव पर विश्वास करना पड़ता कि ये जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। तो विश्वास में इतनी ताकत होती है वो खींच के भगवान के पास ले जाती है। हम श्रद्धा उस पे करती हैं जिसको देखा नहीं है और जिस पे श्रद्धा करती हैं वो खींच के ले आती है। पहले बड़ी हिम्मत चाहिए भगवान पर श्रद्धा करने की क्योंकि देखा तो है नहीं बातचीत तो की नहीं। तो मैंने अभी भी कहा बिनु देखे ना होए प्रीति बिनु देखे ना होए प्रीति। प्रेम तो जानते हैं उससे बातचीत की जाए व्यवहार किया जाए उसके साथ आदान प्रदान विचारों करके देखा जाए कि मेरे मन का स्तर और इनके मन का स्तर दोनों बराबर है। We are both going parallel. So far body, mind and intellect is concerned, parallel. फिर प्रेम जागरूकता है। जब वो देखती है नहीं ये घराना और हमारा घराना और इनमें बड़ा अंतर है प्रेम नहीं जागेगा शादी नहीं होती मेल मिलाप नहीं होता आप दोस्त भी नहीं बनाते उसको। दोस्त भी आप वही बनाते जो आपके मन के स्तर यानी स्टैंडर्ड के अनुसार हो। ठीक है बहुत अच्छे प्रश्न और बहुत अच्छे उत्तर। विचार करते रहना अगर तो सुन के आपने धारणा बना ली है फिर तो कहने क्या और अगर मेरी धारणा नहीं बनी तो मनन करते रहना। ये समस्याएं जरूर खड़ी होती है इसलिए दूरदर्शी घटघटवासी सर्व ज्ञाता भगवान ने अर्जुन को ऐसे प्रश्न करने की प्रेरणा दी है। कभी सोचा करो प्रेरणा कौन देता है? प्रेरणा दो तरफ से आती है। सुनिए जरा मैं आगे निकल चलूं। प्रेरणा दो तरफ से कमिंग फ्रॉम टू डायरेक्शन।
या तो प्रेरणा मिलती है मन से, जो अत्यंत रजोगुनी है, अत्यंत तमोगुनी है, उससे उनको प्रेरणा मिलती है, काम की, क्रोध की, मोह की, लोभ की, अहंकार की, निंदा की, चोरी की, यारी की, मिलने जुलने की, ये गंदी बंदी, ये प्रेरणा जो रजोगुनी तमोगुनी है। और जो आपकी तरह पूर्ण रूपेण सतोगुनी है, उनको प्रेरणा भगवान देती है। ना भूलना, प्रेरणा दो तरफ से आती है। अगर सबको प्रेरणा भगवान देते, दुनिया में कोई भी नीच ना होता, गंदा ना होता, कामी ना होता, लोभी ना होता, कोई भी बर्बाद ना होता। याद रखना, बोलेंगे तो आप कहते सबको तो प्रेरणा भगवान देते, भगवान के हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं होता। ये हम अपने लिए कह सकती हैं, नॉट टू एवरीवन, नॉट टू ऑल। अरे भोली भाली, हम अपने हिंदू धर्म में ये बोलते जरूर है, घर में भी ये बोला जाता है, अरे भगवान के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हां, लेकिन ये बिल्कुल सत्य नहीं है जो आप बोल रही हो। ये शाब्दिक अर्थ इसके लिए जाए तो बिल्कुल ये क्या हो जाएगा, ये भूल भैया। भगवान तो सृष्टि को चला रही है। अच्छा, सृष्टि में नाना प्रकार के नियम बनाए हैं। अच्छा, सृष्टि में तीन गुण भी बना दिए। अच्छा, आगे देखो, क्यों नहीं सारे एक जैसे चलते। यही आज का प्रश्न मैं करने लगा हूं, अर्जुन से लेने लगा हूं, क्यों हर एक के संस्कार जो अलग अलग है। अब इसमें मुसलमान, ईसाई जो अपनी सारी कौम को बहकाए हुए हैं, नहीं जवाब दे सकते। वो तो कहते हैं ये पहला और आखिरी जन्म है, यानी हम पहले पैदा ही नहीं हुए, बाद में नहीं पैदा होंगे। अगर ये बात उनकी सच्चाई से भरी होती, हम सारे बराबर होते, सबके सब शपार। पर ये बात मिथ्या है, झूठी है। पता नहीं उनकी कौम ने मान कैसे दिया, उनकी सारी नेशन इसके अधीन कैसी हो गई। ये तो गलत है, वरना हम बराबर क्यों नहीं। फिर उनके पास कोई जवाब नहीं। अगर आप उनसे पूछे फर्स्ट एंड लास्ट बर्थ, दैट व्हाई नॉट इक्वालिटी, व्हाई नॉट सिमिलैरिटी, कोई जवाब नहीं उनके पास। सब अब एक जैसे होने चाहिए, कोई जवाब नहीं। आपका हिंदू ऋषि जवाब देता, आपके वास व्यासी जवाब देती है, इंसान अपने संस्कारों के अनुसार जन्म लेता है। जबकि सृष्टि नहीं बनी थी तब सारे बराबर, तब भगवान ने 84 लाख यूनियां बनाई थी और सारे के सारे मनुष्य तपस्वी थे, उसको बोलते थे सतयुग। सत्य में परमात्मा, युग बने मिलाप, परमात्मा के संग मिलाप करने वाले। बाद में फर्क पड़ता गया, क्योंकि बाकी योनियों से मनुष्य योनि में जीव आते चले गए। विकासवाद आपको बता रहा है, जब भी समय मिला करो गीता को पढ़ा करो, गीता शास्त्र की जो अनुभवियों ने जो व्याख्या की है उसको पढ़ो, बुद्धि खुलेगी, मन आपका और भी खुल जाएगा, दृष्टिकोण आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर अनुभवियों को पढ़ोगे आप, अनुभवियों ने जो गीता जी पर व्याख्या की है, क्योंकि अनुभव की प्रेरणा भगवान से होती है, तो जीवों के संस्कारों के अनुसार कोई तमोगुनी, कोई रजोगुनी, कोई सतोगुनी। क्यों आपने तीन गुण बनाए, ना टाइम वेस्ट करना, कोई जवाब नहीं मिलता। भगवान एक ही गुण से दुनिया बना देते, आप सत्य कहती हैं, आपका कहना बिल्कुल उचित है, कोई जवाब। ऋषियों ने घोर तप करके इसका उत्तर भगवान से लेना चाहा, भगवान प्रगट ही नहीं हुए, जवाब दिया ही नहीं, प्रेरणा दी ही नहीं। जो मर्जी सोचते रहो, इसका उत्तर सारी सृष्टि में नहीं है। बकवास करने को बतेरे बकवास कर गए, जब ऐसे देखते हैं कि दुनिया तीन गुणों से बनी और इंसान कितने दुखी और बर्बाद कर रहे हैं अपने को, दूसरे को। तो उन्होंने कहा हम नहीं मानते कि दुनिया ये अंग्रेजों का बकवास, हम नहीं मानते कि दुनिया भगवान से बनाई हुई है, दुनिया किसी शैतान ने बनाई है, अगर हम बनाए तो दुनिया इसे अच्छी बना लेंगे। ये फॉरेन कंट्री के फिलोसफर कह रहे हैं, जो मर्जी कहते रहे, आखिर में तंग आके उनको मानना पड़ता है किसी एक ग्रेट पावर ने दुनिया बनाई है। आओ आज अर्जुन के प्रश्न को ले, इन सारी बातों को छोड़े, इतनी याद रखें कि प्रेरणा दो तरफ से मिलती है, संस्कारों से और सतोगुनी को भगवान से। लीजिए, हमने 14वें अध्याय के त्रिगुण अतूत पर बात की, कि जो तमोगुनी है आप में से, जिनके नींद ज्यादा आती हो, जमाइयां ज्यादा आती हो, सुस्ती ज्यादा आती हो,
दिन में आपको अगर चुस्ती नहीं आती थी, ये बहुत बड़ी बाधा है। अपने मन को समझाना लेना, ये तो होना है, मैं क्या करूं, मेरे में तो होना, मेरे तो बच्चा होने वाला है, ये तो होगा, ये बकवास है, ये मन का धोखा है, या मेरे में फलानी बीमारी है, ये धोखा है। हमारे कृष्ण नहीं मानते इस बात को, क्योंकि अगर ये बात है तब अगर आपका बड़ा हुआ और आप जो दलील दे रहे इंटायरली बेसलेस, फिर आपको भगवान की ओर को झुके हुए मुझे जवाब दीजिए। अगर आप में तमोगुण बढ़ा हुआ और आप दलीलों से अपने मन को शांत कर रहे हैं कि तमोगुण तो जरूरी है, मैं तो नारी चोला रखती हूं और कई बातें आप बना बैठती हैं, हमारे तो सिस्टम ही और प्रकार का है, हमारे तो अंदर का खून का दौरा ही और प्रकार का होता है, सुस्ती तो आती है, नहीं मानते भगवान, ये आपका मन आपको धोखा दे रहा है। अगर ये बात है कि आप में तमोगुण है तो सत्वगुण क्यों बढ़ गया? सत्वगुण तो मेरी भगवती मेरे सज्जनों नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता जब तक के क्या तमोगुण रजोगुण रही इससे पस्त निकालो 14वां अध्याय और विश्वास करो भगवान पर। और हम किस पर विश्वास करेंगे? अपने भगवान पे करेंगे, अपने इष्ट देव पे करेंगे। हाँ, जब तक तमोगुण रजोगुण दबते नहीं तब तक सत्वगुण ऊपर नहीं उठता, ये नीचे दब जानी चाहिए, देन यू विल रियलाइज दैट द सत्वगुण इज अपर हैंड, तब उसका अपर हैंड है, जब उसका लोअर हैंड होगा। एकाग्र रहना, बिल्कुल बिल्कुल एकाग्र रहना, ये हमारी हिंदुस्तान की फिलॉसफी है, ये हमारी बिगड़ी बनाने वाली बातें हैं, ये ज्ञान है भगवान का। तो जो आप कहते हैं मेरे लिए इसलिए मेरे में तमोगुण आ, गलत बातें हैं, तमोगुण नहीं, सत्वगुण ना फिर आता। अगर आप तमोगुण किसी कारण से कहते हैं मेरे में ये है मेरे में वो, गलत बात है, हैं आप फिर क्या जवाब है बाबा कि सत्वगुण तमोगुण क्यों बढ़ जाता है? आपकी अपनी भूल के कारण से, आपकी अपनी अज्ञानता के कारण से। एकाग्र रहना मेरी देवियों, कभी ना मन का कहना मानना मेरे में तमोगुण बढ़ गई, ये सोची बैठी है, मैं नारी जो हुई, नारी का सिस्टम जो और प्रकार का होता है, अंदर का खून का दौरा ठीक नहीं रहता, क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो हाई हो जाता है, इसलिए मेरे में तमोगुण बढ़ जाता है, गलत। फिर आपका भगवान की तरफ क्यों ध्यान है? तमोगुण तो अभी भगवान बताने जा रहे हैं, मैं बताता हूं अभी आपको, उसका स्वभाव ही और होता है, रजोगुण का बिल्कुल स्वभाव अलग होता है। तो तमोगुण अगर हमारे में सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो क्यों हमारे में तमोगुण आ जाता है? हमारी भूल के कारण से। देखिए मैं दो चार बातें जो मुझे महापुरुषों से मिली, मेरे से आई ले लो, और अपना निरीक्षण, आप में तमोगुण नहीं चाहिए, क्योंकि आप में एक बड़ी दिव्य इच्छा खड़ी हुई, वेलाइन से डिवाइन विश आप में है, मैं अपना कल्याण कर जाऊं, ये कल्याण की कामना उठती उनमें है जिनमें सत्वगुण की बढ़ोतरी हो, सत्वगुण की प्रबलता हो, सत्वगुण की अधिकता हो। वाह, वरना कभी भी नहीं, अगर तमोगुण बड़ा होता है, रजोगुण बड़ा होता है, ये इच्छा ही नहीं उठती, दिल ही नहीं करता भगवान के भजन करने का। हम नास्तिक होती हैं, नाना प्रकार की हम गलत मत बातें बना बनाते हैं भगवान के खिलाफ, नहीं जो कुछ मैं ठीक हूं, हालांकि आप बिल्कुल ब्लंडर कर रहे होते, नॉट एरर नॉट मिस्टेक बट ब्लंडर, यानी भयानक भूल हमसे हो रही होती है, इवन देन हम उसको कहते हैं चरितार्थ करते हैं, नहीं ठीक है। और मैं बताऊं, आप पे तमोगुण नहीं चाहिए, सुनिए गौर से, आप पे तमोगुण नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि आप में सत्वगुण बढ़ा हुआ है, वो आपकी भूल से आ रहा है, प्रकृतिक रूप में तो आप में सत्वगुण है, हाँ व्यक्तिगत आपकी अपनी भूल से हुए आप कभी तमोगुणी हो जाती है, आपकी अपनी भूल है, प्रकृति रूप से तो आप सत्वगुणी है, प्रकृति तो आप में पूर्व संस्कार अनुसार सत्वगुण बढ़ाती जा रही है, तो ये क्यों आ गया तमोगुण आपकी अपनी भूल के कारण से? शाबाश, देखिए ये कुछ बताइए व्यास जी ने, मुझसे ले लो, आप में तमोगुण क्यों आता है? या तो आपको आपका पेट पूरा साफ नहीं होता, ध्यान लगा के ये जरूर देखना चाहिए कि आपका पेट रोज साफ हो जाना चाहिए, दो बार पेट साफ हो जाए तो क्या कहने, वरना सामान पैदा करोगे दो बार पेट साफ हो। व्यास जी फरमाते हैं जब खाते हम दो बार हैं तो पेट भी साफ दो बार होना चाहिए। आपको यह गलती है कि पेट एक बार साफ हो गया, गलत, एक बार होता ही नहीं, अंदर 36 फुट आपकी आंतड़ियां है, 36 फुट 3 गज जो सांप की कुंडली की तरह लिपटी हुई है। वाह, तो एक बार जब खाती है तो कई घंटों के बाद उसका बाकी हिस्सा बाहर निकलता है, दूसरी बार खाएंगे फिर उतने घंटों के बाद बाहर निकलेगा, इसलिए दो बार शौच आ जाए तो फिर तो बहुत ही अच्छा, तमोगुण नहीं बढ़ेगा। या चार कानों से सुनना, जब आप दो बार खाती हैं, हमें खाना भी दो बार चाहिए, चाहे 100 मेहमान आपके आ जाए, ये नहीं कि जो मेहमान है उसके पास बैठ के चाय पीने लग गया, गलत। हम पी चुके हैं, आप पीजिएगा, आप नहीं पीते तो हम ही नहीं पीते, मर्जी आपकी।
अपने आप को नहीं गिराना हो, कहते बुरा बनाएगा तो बुरा बनाए, इधर रब बुरा बनाएगा, हर वक्त चढ़ते रहे, हर वक्त खाता रहा, जो दो बिस्किट है मैंने खा लिया, वो आ गए फिर वो आ गया, गलत। आपका कैरेक्टर इतना हाई होना चाहिए कि मैंने अपनी सेहत को तबाह नहीं करना, मैंने इसी सेहत से भगवान के चरणों में तलीन होना। छह छह बार कोई आ रहा, छह छह बार आप क्या बना रहे हैं? हमारा अपना दीन ईमान को नहीं, हमारा अपना धर्म नहीं, हमारा अपने को निर्णय नहीं, हम का बिजनेस मैन है नौ, वही हम सबके साथ एक बेस पे खड़े हैं, स्वतः गुण के आधार पर हमारी जिंदगी जा रही है। इतना करेक्टर तो होना चाहिए हाई। अभी मैं पी चुके, आपने पीना है तो पी लो, वो आगे नखरे करते हैं, नहीं आप ही पीते तो हम ही नहीं पीते, मर्जी आपकी। आगे ये कहते आपकी मर्जी, मैंने तो आपका आदर कर दिया, अगर आप नहीं पीते तो ये आपकी इच्छा, छुट्टी पर है। तो दो बार होना चाहिए भोजन, ताकि मशीनरी को रेस्ट मिले। सुनो आयुर्वेदिक की बात, मशीनरी को रेस्ट भी तब मिलता है जब दो बार, अगर चलते रहोगे तो मशीनरी चलती रहेगी, कोई नहीं कोई बीमारी लग जाएगी। ये 100% बात ठीक है, आप माने या ना माने, सच्चाई का प्रकट करना मेरा परम धर्म है। मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जो अनुभवियों ने अनुभव किया मैं आपकी झोली में डाल जाऊं। आपका धर्म है, पूरा विश्वास कर लेना। बीमारी लगती भी तब है जब हम अंदर वाले को रेस्ट ही नहीं देते। अभी घंटा गुजरता फिर कोई चीज चरने लगे पशुओं की तरह, अभी दो घंटे मुश्किल से मशीनरी चली, हाँ रुकी है, फिर आप कुछ खाने लग गए, गलत। मशीनरी को रेस्ट दो, अंदर की अंतरियां नाड़ियों को रेस्ट दो, तो कब्ज नहीं होनी चाहिए, केवल दो बार खाना चाहिए, जहां तक हो सके नाश्ता भी बंद कर दो, एक बार सूरी रोटी एक बार शाम, बस। और बीच में चरने ये चा वेला ते छा वेला ते फलाना वेला, ये इसको कहा करो ये बीमारी वेला है, चा वेला नहीं, छा वेला नहीं, बीमारी वेला, बस दो बार ठीक है। ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए आपको, व्यास जी ताकत आप देना, मैं आपकी बात समझा रहा हूं। तमोगुण क्यों आता है? जब आप रोज समय अनुसार विश्राम नहीं करते। नंबर दो, समय अनुसार जब आप विश्राम नहीं करेंगे तो क्या होगा, खून आपका ज्यादा गंदा होता रहेगा, साफ कम होगा। सुन लो राज की बातें, अगर आप समय जितनी आप मेहनत ज्यादा करते हैं उतना खून नीला होता है। जब आपको फिर सुस्ती आती है उसका मतलब यह है, सुस्ती आने का मतलब ही यही है कि ब्लड आपका जो है कुछ एबनॉर्मल होता जा रहा है, कीप रेस्ट। आप समय अनुसार रेस्ट किया करें, मैंने शाम को 7 बजे 8 बजे सो जाना है बस, दोपहर को मैंने थोड़ा सा विश्राम करना है बस। पूरी कोशिश करें कि विश्राम जरूर ले। विश्राम का मतलब सोना नहीं बाबा, यही होता है विश्राम में, रिटायर्ड रूम में जाना, और नहीं विश्राम का मतलब केवल लेटना नहीं होता, विश्राम का मतलब केवल आंख बंद करना नहीं होता। क्या होता है विश्राम करने का मतलब, होता है सेहत लेना, है वी आर गेटिंग हेल्थ, रिकूपिंग अवर हेल्थ। सोने का मतलब, हम जो विश्राम करते हैं मतलब क्या, अपने खून को और अपने शरीर को और अंदर की नाड़ियां रगो रेशे को रेस्ट देती है, मतलब सेहत लेती है। जागृत अवस्था में ज्यादा हमने मुशक्कत की है, इसलिए सोने का मतलब सेहत लेना। नींद लेना नहीं होता, बेशक नींद नहीं आती ना, जाप करते रहो, लेफ्ट की ओर सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। करवट अगर आप लेती हैं दाईं ओर नहीं बाईं ओर, तो बहुत ही अच्छा माना है शास्त्रों ने, विशेषकर हमारे आयुर्वेदिक महाराज जी ने, टू द लेफ्ट, करवट टू द लेफ्ट नॉट टू द राइट। अगर लेफ्ट नहीं ले सके, गड़बड़ है पेट के अंदर, दर्द हो जाती है, तो फिर सीधा लीजिए, बिल्कुल सीधा, फ्लैट, ना इधर ना इधर, बिल्कुल फ्लैट। अच्छा, नंबर तीन, तमोगुण ना बढ़े, ध्यान दीजिए, आपका तमोगुण ना बढ़े, हां इतना मुशक्कत मत कीजिए जितने आपका शरीर नहीं निकालता। अगर आपको ऐसा काम है जिसमें आपके श्वास अबनॉर्मल हो जाती है, वो काम फौरन छोड़ दो, बेशक 8 पैरी रोटी खानी पड़े, आप अपनी सेहत पर खेलते जा रहे हैं। अगर श्वास बढ़ जाते हैं, आप इतना मुशक्कत हार्ड वर्क करते हैं, आपकी सेहत, आपको श्वास बढ़ जाता है, छोड़ दो उस काम को। आप काम करती बार खून सांस आपके नॉर्मल रहे, मालूम ना हो कि मैंने काम किया है, इतना काम, मुशक्कत वाला काम मत कीजिए, बड़ी मेहनत वाला काम मत कीजिए, तो आपका ठीक रहेंगे, आपकी सेहत ठीक रहेगी, तमोगुण नहीं बढ़ेगा। आज इतना जोरदार काम कर लिया, कल बिल्कुल ही लेटे रह गए, यह गलत बात है। जहां तक हो सके नंबर तीन, रात का जगराता नहीं करना चाहिए। 99% हम पुरुषार्थ करें कि रात रब ने बनाई है मेरी सेहत के लिए,
नींद के लिए ना बोला करो, मेरी सेहत के लिए। रात है हमारी सेहत के लिए, ताकि दिन में जो कमी रह गई है वो रात्रि का विश्राम आपकी पूरी कर दे। शाबाश जी। नंबर चार और आखिर में, चिंता ना किया करें। अगर आप फिक्र और चिंता करेंगे इससे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता और तमोगुण हावी आ जाएगा आपके ऊपर। ये बातें मुझे पता है, मैंने आपको बता दी, मैं पूर्ण रूप इन बातों को अपनाए हुए हूं। भगवान करे मेरे कहने का असर आप पर भी हो। कहीं भी आपसे भूल हो रही है मेरी देवी, मेरा धर्म यही है, मेरा कर्तव्य। मैं आम जो है भाषण वालों की तरह नहीं हूं, मैं आम वक्ता नहीं हूं, खुद अपनाते नहीं बकबक करके चले जाते हैं। मैंने इसे पूर्ण पेन अपनाया हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर। आप भी भगवान करे अपनाए और तमोगुण को घटाएं। देखे तमोगुण हमें नहीं शोभा देता। अब आइए मूल प्रश्न की ओर आइए। 17वें अध्याय में यह प्रश्न किया गया, बहुत अच्छा प्रश्न। प्लीज तीसरी बार कह रहा हूं, एकाग्र रहना बेटी, आप कहीं नहीं जाना, मेरे पास ही तन रखो और मेरे पास ही मन रखो। तन भी मेरे पास, मन भी मेरे पास। ये रखो कि मैंने एक घंटा भगवान को अपना तन मन दे दिया, एक घंटा तो रखो यहीं, पूरा लाभ उठाओगे। अब अर्जुन पूछता है, उस समय का जिज्ञासु, उस समय का चोटी का भगवान का प्यारा, उस समय का आपकी तरह कल्याण कामी, कल्याण चाहने वाला पूछता है, प्रभु आपकी बातें सुनकर आपने 16वें अध्याय का आखिर खत्म होता है, फकत शास्त्र को बना रहे नुमा, शास्त्र बताएगा करना है क्या और ना करना। अब धर्म पर दिल दिए जब, अब अमल शास्त्र पर किए जब, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन बना ले। जो शास्त्र का काम क्या है बताना, प्रॉपर क्या है इम्प्रॉपर क्या है, शास्त्र का यही काम होता है। शास्त्र हो या गुरु हो, हाँ तो शास्त्र गुरुओं के गुरु होती है, गुरुओं के गुरु नाम गुरु, गुरु नाम गुरु कहा गया शास्त्र को, खासकर गीता जी को, गुरुओं के भी महागुरु शास्त्र। तो ये बताते हैं उचित अनुचित क्या है, उचित क्या है अनुचित क्या है, प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रभु आपकी ये बात सुनकर मैं पूरा विश्वास करता हूं, लेकिन फिर मेरे मन में एक शंका खड़ी हो गई, आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूं। 17वें अध्याय की शुरुआत भी प्रश्न से होती है, कई अध्याय बड़े मार्के के हैं, प्रश्न लेके खुलते हैं। अब यहां से ये प्रश्न लेके खुला, जैसे 12वां अध्याय प्रश्न लेके चलता है, आगे फिर 18वां अध्याय आएगा प्रश्न लेके चलेगा आगे, कई अध्याय ऐसे प्रश्न से आगे निकलते हैं। अब ले लो प्रश्न लिया, प्रभु मैं देखता हूं जहां तक मैं समाज में घूमा हूं फिरा हूं, लिया है दिया है, देखिए ऑर्डिनरी हमारी तरह अर्जुन बोल रहा, हाँ मैंने देखा है, हाँ लोगों में श्रद्धा तो होती है, श्रद्धा मतलब विश्वास कहना बच्चे, श्रद्धा मतलब बिलीफ कहना, अभी फेथ ना कहना, टू बिलीव नाउट डॉलर बिलीफ, उनको बिलीफ तो होता है, विश्वास तो होता है, अभी श्रद्धा ना बोलो विश्वास। श्रद्धा आगे बढ़ते, पहले विश्वास होता है, फिर श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर भगवान के दर्शन है, ये तीन स्टेजेस है। तो प्रभु लोगों को विश्वास तो आप पे होता है, इसलिए विश्वास करके मंदिरों में जाती हैं। अच्छा बोल बोल अर्जुन, फिर क्या, तीर्थों पे जाती हैं, अच्छा 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 अच्छा, फिर बोल, महापुरुषों के पास जाती हैं जो आपके प्यारे भगत हैं, जिनको वो मान लिया कि ये भगवान के भक्त हैं, ये संत हैं, उनके पास जाती हैं, हाँ आपकी गीता जी को श्रद्धा विश्वास से पढ़ती हैं, हाँ ध्यान देना उनको विश्वास तो होता है आप पर, आपके संतों पर, आपके स्थानों पर, और विश्वास करके वो जाती हैं, हाँ लेकिन, हाँ अर्जुन क्या, जैसे शास्त्रों में लिखा हुआ है वैसे तो वो करती नहीं, हायो मेरे रब्बा, हायो मेरे रब्बा। आप सब पढ़े लिखे हैं, ध्यान देना, अर्जुन ने लानत मारी है आजकल के पढ़े लिखों को या तीर्थों और मंदिरों में जाने वालों को। सिर्फ एक लानत यूं करके नहीं होती मेरी बेटी, एक होती है ज्ञान से लानत, बेटी ज्ञान से आए कहे, जैसे एक कहावत चलती है हमारे देश में, बात की बात और लात की लात, ये बात से लात हो गई, आ वाला वाले बोलते हैं बात की बात लात की लात, ये क्या कमाल कर दिया, ये देखिए जरा, एक होता मुक्का मारना, ये क्या मुक्का है, ये ज्ञान का मुक्का, विचारों का मुक्का। उनको विश्वास तो है ही आप पर, आपके शास्त्र पर, आपके धर्म स्थानों पर, महापुरुषों पर, हां जाते भी हैं उनके पास, लेकिन प्रभु उनके अनुसार जुटते ही नहीं, गीता पढ़ लेते हैं लेकिन आपके उपदेश के अनुसार जीवन बनाते ही नहीं,
आपके मंदिरों में जाते, परिक्रमा करते, ताल खड़काते, महाराज जी का जयकारा बोलते, उनके लिए व्रत भी रख लेती हैं। हाँ, लेकिन जो आपने कहा है उसके अनुसार लगते नहीं। तो फरमाइए मेरे योगी जरा, ये उनकी श्रद्धा किस प्रकार की है? बड़ा निराला प्रश्न, ओ मेरी भगवती, बहुत निराला प्रश्न। व्हाट काइंड ऑफ बिलीफ और फेथ इज दिस? ये किस प्रकार की श्रद्धा हुई? मैं ये स्पष्ट कहूं, जहां तक मुझे मेरे प्रभु ने प्रेरणा दी, अर्जुन की तो मजाल नहीं ना, अर्जुन की मां कुंती की मजाल है ऐसा प्रश्न कर सके। इस प्रश्न के पीछे भगवान की दिव्य प्रेरणा है। इंसान की तो वश की बात है नहीं कि ऐसा प्रश्न करे। मैंने पहले भी कहा, सतोगुणी को प्रेरणा भगवान देती है, रजोगुण को प्रेरणा वासनाएं देती हैं, और तमोगुण को प्रेरणा उसकी गंदगी देती है। तमोगुण के बंदी ये सबसे रजील, ये दोजख में डाले, ये कर दी जलील। ये सब तमोगुण से खर बात न करो। जैसे आप किसी बच्चे को कोई बात भेजती है और वो मेरे पास आता है तो मैं उसका मुंह देखते रहता हूं, नहीं इसके पीछे इसकी मां बोल रही है, ये तो नहीं बच्चा तो नहीं कह सकता ऐसा। आप उसे सिखा देती है तो बोलता है, मैं ये पूछना चाहता हूं बच्चे, तू नहीं, तेरे पीछे तेरी मां पूछना चाहती है। एक छोटा सा 8 साल का बच्चा ये प्रश्न कैसे कर सकता है? तो अर्जुन कैसे प्रश्न कर सकता है? तपस्वी नहीं है अर्जुन, योद्धा है, जो है महाबली है महारथी है। महारथी क्या लगी, ए मुंह ते मसरा दी दाल। और ये प्रश्न भगवान की प्रेरणा, यह है डिवाइन इंस्पिरेशन। मुस्कुराए अर्जुन, बहुत अच्छे, अति सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप समझेंगे कि नहीं, फिर दोहराऊं, प्रभु आपको, आपके स्थानों को, आपके महापुरुषों को और आपके गीता को वो विश्वास तो करती हैं, उनके पास जाते भी हैं, हाँ प्रणाम भी करती हैं, मंदिरों में देख लो जयकारे भी बुलाएंगे, तीर्थों पे कितनी दूर जाया जाता है, कुर्बानी करके जाएंगे, लेकिन आपके उपदेश के अनुसार बनते। जिस तीर्थ पे गए ये नहीं सोचते ये तीर्थ क्यों बना, तीर्थ 4 मील हट के इधर क्यों नहीं बना, 4 मील इधर करिए, इसी स्थान पे तीर्थ क्यों बना? अच्छा, एक यमा पुरुष तप करती थी, अच्छा उन्हें घोर जप किया, तप किया, अच्छा भगवान उन पे बड़े खुश हो गए, अच्छा फिर भगवान ने उनको आधी रात जब वो जाप कर रहे थे दीदार दिया, फिर उनसे मांगा, पूछा तुम क्या चाहते हो? प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, मैं तो केवल आपके दर्शन करना चाहता हूं। अच्छा मैं वरदान देता हूं कि जो तुमने तप जप किया उसके फल स्वरूप तुम मेरी जात में तलीन हो जाओगे, तुम्हारा आवागमन मिट जाएगा और तुम शांत हो जाओगे। अच्छा चलो, लोगों ने आना जाना शुरू किया, वो तीर्थ बन गया, जहां 20 निकले 20 आए 20 जाए। अब जाने वाले क्या है, प्रणाम कराएंगे, वहां पर कोई उसकी मूर्ति बनी होगी या कुछ और उसकी यादगार, एज ए मेमेंटो, जैसे व्यास जी की यादगार में हमने बना दिया ये आपके स्मारक, इसे अपनी भाषा बोलते स्मारक या मेमोरियल, वहां भी मेमोरियल बने होती हैं। हाँ, लेकिन ये वहां पर छोटी अकल वाले इतनी कुर्बानी करके गए, हाँ ये नहीं पूछते ये स्थान यहां क्यों बना, क्यों बना, कैसे बना, उसके बैकग्राउंड को नहीं लेंगे, और अगर कोई ले भी लेगा तो उसके अनुसार बनने। अच्छा उन्होंने जप जप किया, उन्हें तप किया, हाँ तो ये नहीं कि मैं भी जप कर लूं तप कर लूं, अगर गौर नहीं कर सकता तो सम एक्सटेंट मैं भी वचन दे के जाऊं कि मैं भी प्रातः काल उठ के भगवान का भजन किया करूं, ये कोई नहीं करता। ये अर्जुन का प्रश्न है। मंदिर में गया, टाल खड़का लिया, चनामत ले लिया, महाराज जी की पावन मूर्ति के परिक्रमा कर ली, और ये नहीं कि मैं इनको अपना इष्ट देव मानता हूं, हाँ मैं अब इनकी कदर इतनी है कि मैं परिक्रमा कर लूं और टाल खड़का दूं, क्यों ये सोए हुए मैं इनके लिए टाल खड़काऊं, इनकी आरती उतार दूं, क्या ये अंधेरे में आकर रोशनी कर दूं, ये मैं क्यों कर रही हूं, ये क्यों कर रहा हूं, इन्होंने कहा क्या है, ये उनके उपदेश क्यों देख लो कोई, मेरे कहा हजारों नहीं लाखों हिंदू जाते होंगे मंदिरों में, और हिंदुस्तान में तो मंदिर ही मंदिर भरे पड़े हैं, लेकिन कोई भी छोटी बुद्धि वाला ये नहीं सोचता कि इन्होंने कहा क्या है। अर्जुन का प्रश्न देखिए, उनके अनुसार नहीं जुटते, सिर्फ गए आ गए, ये नहीं कि इनके, इन्होंने जो कहा मैं अपना लूं, इन्होंने जो कहा मैं अपने सोचू सही, क्यों मुझे कृष्ण प्यारे राम क्यों नहीं लगते, अगर राम है तो क्यों मुझे राम प्यारे लगते, इनकी इनमें कौन सी क्वालिटीज थी कि मेरा मन इधर झुकता है, ऐसा कोई नहीं सोचता। तो दाता पर इनका क्या बनेगा, इनकी श्रद्धा कैसी है, यह प्रश्न यह हर एक पे लागू होता है जो मंदिरों में धर्म स्थानों में तीर्थों पे
या जिन्होंने गुरु बना रखे हैं, ये संत बना रखे हैं, या आए संतों को कि सम्मेलन बुलाती हैं, सुन लेंगे, वाह 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 इन्होंने बड़ा अच्छा भाषण दिया जी, नहीं नहीं इसको तो मात करके जो उन्होंने भाषण दिया भी सम्मेलन में यही होता रहता है, ये जो गा गई ना इसने बड़ा अच्छा गाया, नहीं जी इसके गाने क्यों जो वो परला गा गए चाचा उससे बड़ा कमाल किया, इसी में रह जाए, 8-10 दिन गुजर जाते सम्मेलन पूरा हो जाता है, मजा ले कोई अपनाने की कोशिश करें, वाह 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 करके बस वही खत्म कर दिया। बेड़ा गर्क को इस कलयुग का जीवों को संभलने ही नहीं देता, बिगड़ी बनाने ही नहीं देता, इतने में कह देंगे बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा, और जो भगवे कपड़े का रंग तो बड़ा तेज पहना हुआ तो फिटे लाना, और वो जो उन्हें अंदर रंग रखा है और उपदेश दिया उधर नहीं मान जाता, उधर ही रंग रूप अच्छा था, कद तो बड़ा लंबा था भाई, भाई बाल तो उनके बड़े घुंघराले फिटे लाने, ये इन बातों में मतलब क्या, यानी बिल्कुल गंदी बातें जिनमें मतलब ही कुछ नहीं, कद क्या था ये क्या था, आए बड़े अच्छे थे, चेहरा बड़ा सुंदर था, मैं इन बातों में लगे रहेंगे, जो उन्हें दिया क्या है ये नहीं, जात न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहन दे म्यान, म्यान को हमने क्या करना, म्यान के अंदर क्या तलवार, वो महात्मा के कद बोध और शकर शुकुल को क्या करना, कपड़ों को क्या करना, उनके अंदर क्या है और उन्होंने हमें क्या दिया, इधर कोई ध्यान नहीं, इधर कोई विचार नहीं होता, अर्जुन यही पूछ रहा है, अर्जुन के आप बड़े कृतज्ञ है सब के सब, मैं और आप बड़े ग्रेटफुल है जिन्होंने ये प्रश्न किया, लो अपने इष्टदेव महाराज जी का उत्तम, अर्जुन बहुत अच्छे है, बहुत तेरे कमाल का प्रश्न है, मैं दाद देता हूं तेरे प्रश्न की, अर्जुन तू जानता है मैंने 3 गुणों से दुनिया बनाई है, हा भगवान भली प्रकार जान गया, इस तरह श्रद्धा है जो शास्त्र के अनुसार नहीं विधि के अनुसार, शास्त्र के अनुसार एक शब्द है उसका विधि अनुसार, शास्त्र को वो विधि अनुसार जो विधि मैंने जो शास्त्रों ने विधि बनाई है, विधि को अंग्रेजी बोलेंगे अकॉर्डिंग टू शास्त्रज रूल्स एंड रेगुलेशंस, अच्छा शास्त्रों के रूल्स एंड रेगुलेशंस विधि हमारा एक शब्द है विधि अनुसार, हाँ वो विधि अनुसार जो नहीं जुटते ना कार्य जो तो उनमें तमोगुण बड़ा होता है, तमोगुण हाँ अच्छा प्रभु, तो तमोगुणी वाले जो है ना उनकी बुद्धि पर अवर्ण होती है, तमो का मतलब अंधेरा होता है, तम मैंने अंधेरा, उनकी बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि पर पर्दे होते हैं, वो क्या करती है वो असलियत की पहचान नहीं करते कि भगवान कौन है, ये भगवान ने क्या नियम बनाए हैं, उन्हें क्या उपदेश, इधर ध्यान ही नहीं जाएगा, उनमें क्या होता है अवस्था है उम्मीदें अवस्था, गंदी कामना है गंदी वासना है, कैरेक्टर उनको जानते हैं कैरेक्टर किस बला का नाम है ना, कई उनकी पत्नियां हैं, कई कोई बाहर की पत्नी कोई घर की पत्नी कोई इधर उधर के यार दोस्त, उनका खाना गंदा उनका पीना गंदा उनका कैरेक्टर भ्रष्ट है, वो तो हर रूप में भ्रष्ट है, जिधर भी नजर मारेंगे आप देखेंगे गंदे है ये, तो वो क्या वो करते क्या है, वो भूत प्रेतों को देती है यज्ञ, वो भूत मानती है प्रेत मानती है, उनके लिए नंगे मुनंगे शमशान में खड़े रहेंगे या धुनी रमाएंगे और धुनी चारों ओर आग लगा के इधर सेंटर में आप बैठ करके अपने शरीर को हड्डियां बनाएंगे, क्या अपनी गंदी कामना पूरी करने के लिए, बहुधा से बहुधा अपनी कामना वासना पूरी करने के लिए, वो इस तरह उनको बुलाते रहेंगे, अच्छा प्रभु अब जो रजोगुनी है उनके अंदर कामनाएं बहुत है, उनमें कमियां बड़ी नजर आती है हमारे में, ये कमी हमारे में, इसके लिए वो देवी देवता मना, वो भूत प्रेतों को देते हैं यज्ञ और ये देवता मनाते हैं, ये जो जगराते रखे जाते हैं, देख लो अर्जुन का प्रश्न आज से 5,500 वर्ष आज घर घर देख लो जगराते हो रहे हैं, किसके लिए देवी देवता मनाए जा रहे, अपनी कामना पूरी करने के लिए, पता लग गया है कि देवी को मनाने से या देवता को मनाने से वो कामना जल्दी पूरी करते हैं, भगवान जल्दी कामना पूरी नहीं करते, अच्छा घर घर जगराते घर घर गली गली गिराते इधर हो गया उधर हो गया वह हो गया वो हो गया, हर जगह आप देख रहेंगे वाह ये किसी ये देवता जो अपनी वासना है, वासना इतनी बड़ी हुई है कमियां नजर आती है घर में, मेरी फलाने की शादी नहीं होती, मेरा लड़का नहीं पैदा होता, हमारे मुकदमा हमारे हक में नहीं होता, मैं 3 बार फेल हो गया हूं, मां मेरा जगराता रखवा दे, वो तेरा जगराता रखवा दे कि देवी ने जगराता रखवा दे, ये वासना काम नहीं, इसलिए वो क्या वो देवों को पूजती है, सतोगुणी अर्जुन केवल मुझे पूजती है, चूंकि उनको समझ आ गई कि मेरा कल्याण केवल भगवान से होना, ना ये भूत प्रेत कर सकती हैं, ना ये देवता कर सकती हैं, इतनी कैपेसिटी या क्षमता या समर्थन उनमें नहीं है, वो केवल मेरी ओर लगती है, सत्वगुणी केवल मेरी ओर लगती है और मेरे उपदेश को जानती हैं, समझती हैं, विवेक आता है वैराग आता है, अपनी कमियों को बीच में से निकालती हैं, मुझे अपने दर्शनों के योग्य बनाती है, अंतःकरण को योग्य बना लेती है, हाँ जैसे आपको एक बड़ी अच्छी सर्विस चाहिए, आप अपने आप को पहले योग्य बनाते हैं, अधिकारी बनाते हैं, यानी आप क्वालिफाई होती हैं,
जो जो उन्होंने शर्तें लगाई हैं, यू क्वालिफाई योर सेल्फ। हाँ, इसलिए भगवान के लिए हम क्वालिफाई होते हैं, उन विशेष प्रकार की विशेषताओं, विशेष प्रकार की विशेषताओं को हम अपने अंदर लाने की पूरी चेष्टा करते हैं। वेरी गुड। हाँ, अब भगवान ने एक सिद्धांत दे दिया, अर्जुन इंसान एड़ी से चोटी तक नहीं है, देखता है ये भूत प्रेतों को यज्ञ दे रहे हैं नंगे मनंगे वो करके। हाँ प्रभु, मैं एक इंसान ये देख रहा और इधर देख रहा है दूसरे इंसान कौन रहे वास्तव के दिराते रख रही है, देवता का आह्वान कर रही है। हाँ प्रभु, देवताओं के लिए वो दान दून कर रही है। हाँ प्रभु, और इधर देखता है ध्रुव और प्रहलाद की करे केवल मेरे लिए तप कर रही है, मेरे लिए जप तप भजन सिमरन केवल मेरे लिए। हाँ प्रभु, इन तीनों प्रकार के इंसान को मैं देख रहा हूं। हाँ, अब इन दो प्रकार के जो तमोगुणी रजोगुणी है अर्जुन, जो मुझे बिल्कुल भुलाए हुए गए, बजाहिर तो हर चंद इंसान है, वो देखने में तो ये इंसान आए, भगवान ने कमाल का कर दिया। ओ मेरे सजनो, ओ मेरे मेरी देवियों, अगर इनके अंदर घुस के देखे जाओ तो पक्के शैतान राक्षस है ये, तो देखने में तो ये तीनों इंसान है। हाँ, तमोगुणी भूत प्रेतों वाले और इधर देवी देवता मनाने वाले और इधर परमात्मा का भजन करने वाले सारे इंसान ही तो हैं, नो डाउट, दीज आर ऑल इन मेन, ये हम इसे मानव जाति कहेंगे। हाँ लो सिद्धांत, भला भगवान जी आपका बहुत अच्छा, यहीं से खामा इंडियन, मैं बता दूं आपको, साइकोलॉजी शुरू जाती है, मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान की शुरुआत यही सतारवें अध्याय के श्लोक से। वाह, आपकी जानकारी करा दूं, मनोविज्ञान द साइंस ऑफ द माइंड, द साइंस ऑफ द माइंड, द साइंस ऑफ द इंटेलेक्ट, द साइंस ऑफ द बॉडी, ये तीन साइंस हैं ना, अलग अलग अलग, बॉडी को आप कहते हैं फिजियोलॉजी। हाँ, अब मन को आप बोलती हैं जो है साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी को हमारे मास्टर जी ऐसा करते थे, स्पेलिंग ना याद करने पड़ेंगे तो आपको यह फसाई, चलो जी PSYCHOLOGY, PSY फसाई, चलो CHO, चलो GGY, फसाई चलो जी। एक बार जिसको मनोविज्ञान समझ आ गया सारे संसार को फंसा लेगा, जो संसार में उलझा हुआ था वो संसार को फंसा लेगा। फसाई चलो यानी साइकोलॉजी, PSY, ये यहां से शुरू हुआ जो भगवान आप जवाब दे रहे हैं। भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ये तीनों इंसान है। हाँ, बट तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी तीनों इंसान, इंसान तो मानव ज्योति में नजर आती है। हाँ, भूत प्रेत पूजने वाले, ये देवी देवता पूजने वाले और ये भगवान का भजन करने वाले इंसान नजर आते हैं ना। हाँ, लेकिन इनके बारी क्रियाओं को ना देखें, अंदर को देखें तो हाँ, इनके विचारों में कितना अंतर है, वो कितनी ओछी कामना रख के भूत प्रेतों को पूज रहे हैं, कितनी ओछी कामना को रख करके, उसके पैरों की धूली लेकर के ये विशेष मंत्रों का उच्चारण करके और शमशान में नंगा बैठकर और उसकी राख लेकर के, हाँ ये मैंने उसको मार देना है, कितनी गंदी कामना रखी, कितनी गंदी इच्छा रखी। जैसे रावण के पुत्र ने, मेघनाथ ने, हाँ लक्ष्मण को मारने के लिए कि मैं मेरी जीत तो इसकी ना हो, भविष्य ना बताता तो वो देवी सिद्ध कर रहा था, अगले दिन मरना लक्ष्मण ने था, लेकिन भविष्य तो नहीं चाहता था ना कि लक्ष्मण मरे, सच्चाई पर बोल बाला कैसे होगा, तो बता दिया फलानी जगह जा करके वो देवी मना रहा है, प्रेतनी मना रहा है, और प्रेतनी अगर प्रकट हो गई तो वो इसको मरने नहीं देगी, शाबाश, तो भंग कर दिया उसके, अगर आपने रामायण पढ़ी है तो, इससे कई जगह आता है। वो तो इंसान है ना, तो अंतर क्या इंसानों के अंदर, क्या अंतर, जगराते तो आप देखते रहती है अपनी कामना पूरी करने के लिए, आप जैसे भी जीव है उठते आप ही रात को है, केवल भगवान के लिए, केवल भगवान के लिए। हाँ, अब इधर भगवान ने नियम ही बना दिया, क्या नियम बनाया, जो देवों को पूजे वो देवों को पाए, परस्तार मेरी मेरी पासा, ये एक नियम है। लेकिन साइकोलॉजी तो यहां से, ये तो नियम हो गया, साइकोलॉजी कहां शुरू होती है, लो भारतीय मनोविज्ञान इसी की नकल की है सब देशों ने, भारतीय मनोविज्ञान भगवान के जवाब से मैं कह रहा हूं मनोविज्ञान शुरू हो रहा है। मनोविज्ञान क्या है, श्रद्धा मय अयम पुरुषा यो या श्रद्धा सा एक सा, ये मनुष्य विचारों का पुतला है, जैसे जिसके विचारों वैसा समझ लो उसको,
तो मनुष्य या नर नारी ये अंगों का नाम है, आपके विशेष प्रकार के अंग है, आपके विशेष प्रकार के अंग है। मैं इस प्रकार कमला रमला बन के रहता हूं, कोई बड़े बड़े लंबे बाल रखता है, कोई मेरी झिटी रोड बनाए फिरता है, इसका नाम नहीं। कोई बड़ी बड़ी माला फेरता है, मैं माला फेरूंगा तो एकाध पे बाहर नहीं शो करूंगा आपको, ये हमारा मन लानत मारता है, लख लानत है। ये तो विषय भगवान और मेरे प्रति है कि जहान के प्रति मेरी मालों का मतलब क्या हुआ, हमारा मन हमें लानत मारता है, ये तो मालिक के प्रति होता है। पत्नी और पति, पत्नी और पति का प्यार तो एकाध में होता है, ना के बाहर प्रकट करो आप, ये तो गंदी बात हो गई ना। तो जीवात्मा परमात्मा का प्यार तो अंदर का होता है, एकाध का। लेकिन कई आपको नजर आएंगे, ये लड़का वो लड़का, इधर लड़का टिक्के मना। तो मेरे सज्जनों, ये बात क्या बनी, असल बात क्या है, इंसान असल रूप में क्या है, जो उसके अंदर है, मन। मन, हां मन का मतलब विचार। लो यहां से शुरू हो गई, शुरू हो गया मनोविज्ञान, इंडियन साइकोलॉजी यहां से शुरू हो गई। विचार का नाम इंसान। सुन मेरी देवी सुन, बहुत लाभ उठाया है मैंने, उठा रहा हूं। यानी ये शक्ल का नाम ना हुआ, चाहे हम काले हैं, गोरे हैं, हमारा राउंड फेस है, ये किसी का लॉन्ग फेस है, या हमारी जाति किसी प्रकार की हो, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, ये इन सब को भगवान ने सृष्टि बनाई है। ये तो मैं क्षत्रिय जाति के लिहाज से इंसान नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना, पढ़ाई के लिहाज से नहीं है, कोई मैट्रिक एफ ए बी एम ए पी एच डी है, बी लेट है, नहीं, इसका नाम इंसान नहीं है। नर नारी का नहीं है, अभी आप नारी हैं, विशेष प्रकार का सीधे विषय में, इसका नाम नहीं है। तो फिर जो आपके अंदर भी, अंदर क्या है आपके, ये मन जो नाभि से 10 उंगल ऊपर है, ये कैसे चिंतन करता है, कैसे चिंतन करेगा? तीन प्रकार का चिंतन होता है, या तमोगुण के आधार पर ओए होए, या सतोगुण के आधार पर ओए होए, या रजोगुण के आधार पर, चौथा नहीं होता। गुण के आधार पर आपका चिंतन होता है। सुनिए, अगर पिछले जन्म में आपकी कमबख्ती थी, गंदी किस्मत थी, गंदे कर्म करके आए हो, गंदा खाना, गंदा पीना, और एक एक अंग का आपने दुरुपयोग किया है, मिसयूज किया है, आप तमोगुणी बनेंगे। अभी आप मांस खाएंगे, शराब पिएंगे, कैरेक्टर में कोई परवाह नहीं करेंगे। जैसे आजकल मेरी नलायक बहने समझती कुछ नहीं कैरेक्टर क्या होता है, नलायक मेरे बच्चे अपने लिए नरक मना रहे, इनको गंदी बीमारियां लगती है, बहुत गंदी। ये तमोगुणी जीव, खाना पीना, रहनी सहनी, बोल चाल गंदा। अच्छा, इनके विचार कैसे होंगे, क्या बकवास करूं। रजोगुणी को लो, रजोगुणी क्या होते हैं, रजोगुणी जिनके कामनाएं बड़ी जबरदस्त हैं और घाट महसूस होती है, हमारा घर नहीं अच्छा, हर समय ऐसे को दोस्त ना बनाना, ऐसे को सहेली ना बनाना, मेरी बेटी चाहे लाखों पति क्यों ना हो, हर समय शिकवे गिले देते रहेंगे, हमारा घर नहीं अच्छा, क्यों, अच्छी कोठी है नहीं, 3 मंजिला थोड़ी है, 2 मंजिला तो है पर तीसरी मंजिल नहीं ना, क्या हमारा परिवार भी नहीं अच्छा, क्या हमारी बहनी बहनी है, भाई तो है ही कोई नहीं, या क्या करें हमारे पता नहीं क्या हुआ, हम 5 भाई हैं, बहनी कोई नहीं हमारे घर के अंदर। आप माफ करना, मैं आपका दादा भी हूं, पिता समान हूं, गुरु समान हूं, बड़ी मूर्खता आपने की जो कमाने के लिए आप बाहर निकल गए, इतनी ताकत क्या है आपके पास शरीरक, हाँ इन्होंने आप एक भी बच्चा पैदा करके फिर नौकरी करो, अगर नर बच्चा पैदा करे और कितनी शक्ति महसूस करे, कितनी शक्ति जाती है, लालच मुझे 100 बार अगर मैं बकवास कर रहा हूं तो मैं सच्चाई की बात आपसे कह रहा हूं, एक बच्चा बनाने में अंदर का बहुत कुछ उसमें लग जाता है। आयुर्वेद कहता है कम से कम 8 साल का खाया पिया एक बच्चे के पैदा करने में निकल जाता, 8 साल का खाया पिया, जो आपने घी लिया, मक्खन लिया, दूध लिया, या और कोई पौष्टिक तत्वों वाला भोजन लिया, 8 साल का गया एक बच्चे पैदा करने में। बोले आप तो भगवान आप चाहते नहीं आप कमाओ, इसलिए आपको क्या कहा, आप बाहरी कमाई करो और आप मां बनो, बच्चे की निगरानी करो, बच्चे को पढ़ाओ, बच्चे को बड़ा करो, चूंकि आपके अंदर से पैदा हुआ है, इधर अपनी खुराक बढ़ाओ ताकि वो कमी पूरी हो जाए, और कम से कम 5-6 साल के बाद दूसरे बच्चे की तमन्ना करो, कम से कम उन्होंने कहा है न्यूनतम 6 साल, ताकि वो कमी पूरी हो जाए, आपकी भुजा बन जाए, आपका खून पूरा बन जाए, आपके अंदर में जो कमियां आ चुकी हैं वो पूरी हो जाए। आप कमाने में लग गई, काफी शक्ति बक बक करने में, दफ्तर में, स्कूल पढ़ाने में लग गई, इधर बच्चे क्या होंगे, ए यूं बच्चे पैदा होंगे, ए दुबले पतले, आपकी शक्ति नहीं रहेगी। अब देखो बच्चे कैसे पॉकेट डिशन है, ना तो उनका कद बढ़ रहा है, ना उनकी भुजाएं बढ़ रही है, ना उनकी छाती चौड़ी हो रही है, ना उनमें शक्ति आ रही, गंदी बीमारियां ले लेके लड़के लड़कियां पैदा हो रही हैं।
क्या बनेगा भारत का वो तो भगवान जाने, मैं तो कुछ नहीं कह सकता। नारी को कमाना नहीं चाहिए था, नारी अर्निंग हैंड ना होती, नारी मदर हैंड होती। आप मदर हैंड भी हैं, अर्निंग हैंड भी हैं, क्या रहेगा आपके पल्ले? आपकी बुद्धि के पल्ले क्या रहेगा, आपके मन के पल्ले, और आपकी तन कैसे रहेगा? शादी से पहले आप क्या थी? हाँ, शादी के बाद आप क्या होगी? अर्निंग हैंड की इतना शौक है, मैं कमाऊं से मेरी बच्ची आप, मैं सेहत गवाऊं या फिर माना बन, ताकि वो शक्ति कमाने में लगे, मां ना बने, मां भी बनना है कमाना भी है। इस तरह आपकी जाति मूर्ख बन गई। बच्ची तो बड़ी कंजम्पशन होती है एक बच्चा बनाने में, ये हो गए रजोगुणी जीव। सतोगुणी क्या होता है? सतीगुणी, बिल्कुल भगवान की चाल है। आप जरा देखिए, टाइम बड़ा थोड़ा रह गया मेरे पास, आप ध्यान दीजिए, इंसान की तारीफ क्या है? विचारों का पुतला है इंसान, जमा लीजिए अपने मन के अंदर। इंसान अंगों का नाम नहीं है, जैसे हमारे अंग सिर से ये पैर तक, ये नहीं, इसको नहीं इंसान। नारी जैसे थे आपके पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ये नजर आ रहे, ये नहीं ना, ना, विचार क्या है आपके? हाँ, अब मीरा के हम शरीर को देखेंगे ना बाबा, दृष्टांत दूसरा, श्रूप नखा के हम शरीर को देखेंगे ना बाबा, मीरा भी नारी थी, श्रूप नखा भी नारी थी, हा बाबा। एक क्या है? देवी भगवती। एक क्या है? चंडालनी, कुलक्षणी, नीचनी। दोनों के शरीर तो नारी वाले हैं, शरीरों को हम क्या करें बाबा? उनके लक्षणों को देख के आप बोलते हैं। एक तरफ मैं प्रहलाद कह रहा हूं, हा, और एक तरफ मैं रत्नाकर कह रहा हूं, डाकू। अब दोनों तो एक जैसी हैं, दोनों जंगल में रहती हैं। हाँ, प्रहलाद भी तप करता था बाहर आके, और वो उधर रत्नाकर जो बाल्मीक बने बाद में, वो भी जंगल में थे, वो एज ए डाकू और वो एज ए तपस्वी। उन्हीं को कहा जाता है खूनी से मुनि। पहले वो खूनी थे, खूनी से मुनि बन गए। क्या हुआ? विचारों में अंतर आ गया। आप कहते फलाना, अब जैसे आप किताब बदलते जा रहे, क्या कोई आपका सिर बदल गया है, आंखें बदल गई, गाले बदल गई, या कोई और अंग बदल गया? नो, हम इंटरनली चेंज होते हैं, हमारा एंगल ऑफ व्यू, हमारा सोचने का ढंग, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग बदलती जा रही है। इंसान विचारों का पुतला है। अच्छा, अगर हुए सतगुणी विचार तो सतगुणी कर्म होंगे। हाँ, तो जैसा कर्म होगा वैसा फल मिलेगा। कोई नहीं जानता आजकल, गंदे कर्म करते हैं, गंदे विचार करते हैं, फिर कहते बाबा आप जरा देखना मेरा फ्यूचर कैसे होगा। बहुत हंसता हूं मैं अपने मन के अंदर, अब तो मैं आपसे मिलता नहीं, शरीर नहीं, सेहत नहीं साथ ले रही, तो पहले मैं बड़ा हंसता था, अभी बाबा मेरे, ये मेरे दाता, ये क्या हो रहा है, विचार गंदे। हाँ, मैं मेरा भविष्य देखना कहीं को मैं हंसाता था, मुझे ये बताओ काका, आप भविष्य देखने से पहले मुझे एक बात तो समझा दे। क्या? मुझे ये समझ नहीं आती कि धरती में अगर गेहूं बोई जाए तो तू मुझे समझा दे, मैं बुद्धू सा हूं ना? नहीं बाबा, बुद्धू तो नहीं आप। नहीं, मैं बुद्धू हूं। गेहूं बोई जाए तो 6-4 महीने बाद क्या काटेंगे? बाबा गेहूं काटेंगे। सच कह रहे? बिल्कुल सच। और अगर चने बोए जाए तो चने काटे जाएंगे, और अगर बाजरा बोया जाए तो बाजरा काटा जाएगा। तो मेरे से आप पूछने क्या है, जवाब तो आपके पास है, आपके कर्म कैसे है? अच्छा बाबा, इसलिए पूछ रहे थे बोया जाए तो क्या काटा जाएगा। इतने में नहीं समझ, आप ग्रेजुएट है, आप एमए हैं, ये नहीं समझ आपको? हाँ, नहीं, विचार तो है गंदे, और उम्मीद रखती है कि माय फ्यूचर विल बी वेरी वेरी ब्राइट। मेरी बेटियां पूछती है मेरा घराना अच्छा मिलेगा? क्यों बच्चे, जरा आप अपने आचार व्यवहार को देख, आपके विचार पवित्र है? नहीं बाबा। आपके कर्म? नहीं बाबा। फिर तू कैसी उम्मीद रखती है आपको भविष्य अच्छा होगा? गेहूं से गेहूं, जो है आपका, जो है चने से चने। हाँ, तो कर्म तो हमारे डार्क है, और देखती है हमारा ब्राइट फ्यूचर होगा? नहीं हो सकता। अकीदा ही इंसान की वो समझ लो, मेरे गीता के प्यारो, कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमारे जगत गुरु क्या कह रहे हैं, अकीदा ही इंसान। इंसान की तस्वीर क्या है? जैसा उसके अंदर के विचार है, ये नहीं जो हम शॉर्ट स्नैप या कैमरे से ले लेती है, मैं ये हूं, आप कहते हैं मैं ये हूं, ये नहीं, जो इसके परे है, जो हमारे विचार है। हाँ, अब ये बात बिठा लीजिएगा, भगवान जी कह रही है अर्जुन विचारों के अनुसार ही तो उन्होंने विश्वास करना है। अगर कोई राक्षस पूजेगा तो विचारों के अनुसार, कोई भूत प्रेतों को मानता है तो विचारों के अनुसार, और कोई मेरी भक्ति करता है तो अपने पवित्र सतोगुणी विचारों के अनुसार।
तो बैकग्राउंड में भगवान सिद्धांत बता रहे हैं अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, वो विचारों का पुतला है। हाँ प्रभु, विचारों के अनुसार उसने रहना है। हाँ मेरे मालिक, अब मुझे पता लग गया प्रभु कि तीन प्रकार के इंसान होते हैं। अच्छा, फिर आगे भगवान ने गतियां भी बताई हैं। तमोगुणी के लिए भगवान बड़े नाराज होते हैं, ये मर कर जो जिंदों में आए, दरिंदों परिंदों चिरिंदों में आए, इनके लिए रब कहता है जब ये तमोगुणी मरेंगे चुके सारे कर्म गंदे, खाना पीना गंदा, ये क्या बनेंगे? ये दरिंदे बनेंगे, एनिमल बीस्ट बर्ड्स, ये इन्हीं में धक्के खाते रहेंगे। हाँ, और जो रजोगुणी है वो ऐसे घरानों में जन्म लेंगे जब बहुत कुछ करना पड़ा हुआ है, पिताजी बहुत कुछ करना छोड़ गए, अधूरे काम पड़ेंगे, जन्म ऐले किरदार में आके ले। सतोगुणी जीव जो है जाए सुए आसमां। तीन प्रकार की गतियां भी हमारे प्रभु, हमारे मेरी माता बच्ची बता रही है, तीन प्रकार गतियां। तमोगुणी सबसे ज्यादा जलील होता है, रजोगुणी दरमियाना, सतोगुणी तो बोल बाला उसका, सतोगुणी नंबर ले जाता है। यहां भी शांत रहा, शरीर छोड़ने के बाद भी शांत हो गया। यहां भी उसने अपने मन को पवित्र विचारों से भर दिया, अच्छा पवित्र कर्मों से भर दिया, तो फल भी अच्छा मिला। प्रभु मुझे पता लग रहा है वो शास्त्र के अनुसार कौन जुटेगा, तमोगुणी और रजोगुणी। उनको विश्वास तो है पर विश्वास का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाय, उनको विश्वास है पर दुरुपयोग, उसका मिसयूज कर रहे हैं। वो विश्वास भगवान की ओर नहीं, जैसे किसी के पास धन तो है पर शराबा पी रहे हैं, धन तो है कैरेक्टर बर्बाद कर रहे हैं। उनके पास पढ़ाई तो है पर पढ़ाई का दुरुपयोग, वकील बन गए। हाँ, ये क्या करेंगे? अपनी लियाकत का दुरुपयोग, झूठ को सच बनाना, सच को झूठ बनाना। अगर मैं गलत समझाऊं तो मुझे माफ कर देना। वकालत का मतलब क्या? जैसे आज प्रयोग हो रहा है, झूठ को सच बना देना और सच को झूठ बना देना। ये चार रोटियां खानी है क्या? हलाल भी नहीं खानी, हराम भी रोटियां खानी है, तो हो गया बुद्धि का दुरुपयोग। आप में कोई भी अगर मेरे साथ एक पैसा भी प्यार करता है तो वकील ना बनना। मैंने दो लड़कियों को भी रोका है, अगर आई बैठी है तो वकील ना बनना, उन्होंने LLB कर ली है। मिटना, अठपैरी रोटी खा लेना पर वकालत की रोटी अच्छी। झूठ गंदमन बकवास उनको भी सिखाना, तू ऐसे बकवास करी तब जीतेगा वरना हारे पे है। पहले ही इससे क्या होगा? भगवान नाराज है, पेट तो भर लिया पर कोई बीमारी लग जाएगी ऐसे पेट से, क्योंकि हमारी कमाई गंदी है ना। ना मेरे बेटे, चार दिन रह के मर जाना है, क्या फायदा इस ऐसी कमाई का? ना मेरे बच्चों, बिल्कुल कदापि नहीं। आपने अपना कल्याण करना है, ऐसी कमाई नहीं अच्छी। कमान बुद्धि का दुरुपयोग हो गया। अकीदा ही इंसान के अपने विचारों को हमने देखना है। अच्छा मेरे से पूछो, तो विचार सतोगुणी कैसे बने? अगर इरादा नेक होगा तो। इरादा में नेकी के यक्षु है जो, जिसका इरादा सतोगुणी है, क्योंकि इरादे के अनुसार विचार, विचारों के अनुसार कर्म और कर्मों के अनुसार क्या खट्टा मीठा फल। हमारे कर्मों के अनुसार ही होना है ना, तो कर्म किसके आधार पर हुए? विचारों के अनुसार। तो विचार हमने किसके अनुसार किए? इरादे के अनुसार। अब फिर पूछो मेरे से, इरादा हमने किसके अनुसार किया? आपने पिछले जन्मों के अरमानों के अनुसार। एक तन में दाखिल, एक से जुदा, ये देखिए साथ अपने ले जाए। ये तो मर गया, उठाया गया अग्नि में फेंक करके राख बना दिया गया, अंदर वाला नहीं मरा। अंदर वाला सूक्ष्म चीज जो विचारों का पुतला था वो नहीं मरा। क्यों? उसमें अरमान थे, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने ये बनाना है, ये करना है, ये करना। एक भी मेरे गुरु ने बताया था स्वामी रामकृष्ण जी ने, एक भी अगर कामना रह गई तो भी जन्म लेना पड़ता है। अगर एक भी ख्वाहिश रहेगी कोई तो भी अगला जन्म, चाहे उम्र छोटी हो जाएगी आपकी, लेकिन उसको पूरा करने के लिए रब ने कहा मैं तुझे जन्म तो जरूर दूंगा। और अगर विवेक विराग और अभ्यास से आपने कामना हटा दी है, कोई कारण ही नहीं जन्म का, कोई अरमान नहीं। अपने देख लेना, कोई अरमान नहीं। पुरुषार्थ करे पर ये नहीं मुझे ये मिले मुझे वो मिले, ना, जो तेरी इच्छा परमात्मा दे ना दे तेरी मर्जी। ऐसे जीव संतुष्ट हो जाती है, गदगद हो जाती है। ये कभी ना भूलना जिन्हें मुक्त होना है, जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का ना हो जिसके दिल में फतूर, वो जीव उनके लिए कहा यही गए मकामे वसाले खुदा। तब जब जीव मुक्त हो तो कोई वास्ता नहीं, कामना नहीं, किसी प्रकार की कामना नहीं। पुरुषार्थ हमने करना है मेरी मैया मेरी बेटी मेरे बुजुर्गों मेरे नेक भाइयों, आप पुरुषार्थ हम करेंगे आगे, जो होता है होने दो, जो मिलना भगवान दे दे, वो भगवान जाने, भगवान का काम जाने, हम अपने स्ट्रगल करते रहेंगे। तो इंसान विचारों का पुतला
हमने कभी भी रजोगुनी विचार नहीं करने, तमोगुनी नहीं करने, तमोगुण को टिकने नहीं दिए ना। हमने बता दिया तमोगुण जब ऐसा है हटाने की चेष्टा करो। रजोगुण में वासना कामना होती है, आप में नहीं उठ सकती, आप कभी इधर ना आते। अगर आप कामना वासना होती आप नास्तिक बने होते। अगर आदमी आस्तिक हो तो रजोगुनी कैसे बनेगा, वो कामना नहीं उठती। आस्तिक आदमी का सबसे बड़ी निशानी, आस्तिक की सबसे बड़ा लक्षण क्या है? संतोष। मेरी बेटी शाबाश, वेरी गुड। आस्तिक का सबसे बड़ा लक्षण होता है संतोषी होता है, और नास्तिक का सबसे बड़ा लक्षण होता है लोभी। अगर वो आस्तिक हो तो लोभी कैसे होता? अगर आप संतोषी हैं तो लोभी हो नहीं सकते। संतोषी केवल पुरुषार्थ करेगा, उचित पुरुषार्थ भगवान पे छोड़ देगा, संतोषी कभी नहीं कहेगा। संतोषी तो लोभी जो है वो पुरुषार्थ करना जानता है, वो उल्टी पुल्टी बकवास करेगा रब के खिलाफ, संतों के खिलाफ। वाह, कोई रब ने छप्पड़ फाड़ के दे दिए, हम कुछ करेंगे तो मिलेगा। वो ऐसी बकबक करेंगे। इसलिए रब हमारा कह रहा है, हमारे प्रभु कह रही है, इंसान विचारों का पुतला है। अब चूंकि विचार तीन गुणों के आधार पर होती है, इसलिए हर एक के विचार अलग अलग है। तमगुणी विचार हाँ, रजोगुणी विचार हाँ, सतोगुणी विचार। सतोगुणी विचार दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। बारह ने कम तो हो चुके हैं। हाई बेटे, बारह ने तो कम हो गए, सिर्फ चार आने और सतोगुणी विचार हैं। जब ये एक आना सतोगुणी रह जाता है, तब रब का तख्त हिलता है, अवतार लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब सिर्फ एक आना रह जाता है सतोगुण, तब धरती डावाडोल हो जाती है। तब मेरे भगवान कहते हैं, ये तो नियम दरम बरम हो गया, ये तो कम खराब होता जा रहा है। तनजल पे जिस वक्त आता है धर्म, धर्म खड़ा है सतोगुण के आधार पर, सतोगुण दिन ब दिन लोप होता जा रहा है। रब जाने, रब ना काम जाने, हमें क्या, हमें तो भगवान मौका दे रही है। तो देवी अपने विचार को और अच्छा बनाओ और इसके आधार पर बनाओ। जब विचार इसके आधार पर होते हैं तो बस फिर तो कमाल हो जाता है। जो तमोगुणी होता है वो ना लोभी होता है हाँ, ना संतोषी होता है, वो केवल शरीर के अंगों पे रहता है। गंदी गंदी चीजें खाने में, गंदे गंदे रूप देखने में, आपको छेड़ने में, ये करने में, वो करने में, वो उसका कोई भी अंग तृप्त, वो अंगों को तृप्त करना चाहता है, कानों को, आंखों को, मुंह को, हाथों को, बाकी अंगों को तृप्त कोई भी नहीं होता। गंदे गंदे विचार, गंदा खाना, गंदा पहनना, गंदा अपने सारा कुछ, इनको बीमारियां भी लग जाती है, गंदी गंदी बीमारियां। ये समाज पे बोझ माने गए तमोगुणी जीवा, जैसे बकरी के गले में थन। ये अपने मनु महाराज जी कहती है, बकरी के गले में थन बेचारी बोझ से मरती है, उससे दूध नहीं निकलता, दूध तो हवाने वाले थन से निकलता। इस तरह ये इंसान धरती पे बोझ है, कुछ लाभ तो देते नहीं, अपने लिए अपने परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध होते। इनको बड़ी बुरी सजाएं देता है रब, बड़ी बुरी सजाएं। दोजख में इनको डालूंगा मैं, डाल के कभी ना निकालूंगा, बड़ी सजा मिलती है, बीमारी सजा मिलती है, अगला जन्म भी गंदा होता है, इस जन्म में बड़ी पूरी पेनल्टी एंड पनिशमेंट इनको मिल जाती है, क्योंकि दूसरों को बड़ी हानि पहुंचा रहे होते हैं, बड़ी हानि। विचार को अच्छा रखना मेरी देवी, सतगुनी विचार। चूंकि इंसान विचारों का नाम है, इंसान के शरीर का नाम नहीं, इंसान मेल मिलाप का नाम नहीं, इंसान धन का नाम नहीं, इंसान औरत का नाम नहीं, इंसान आदमी का नाम नहीं, इंसान दौलत का, बाकी और इज्जत का नाम नहीं, बड़ी बड़ी पदवियों का नाम नहीं। हमारे कृष्ण कह रहे हैं इंसान तो विचारों का नाम है। अकीदा ही इंसान की तस्वीर है, मेरी तस्वीर और आपकी तस्वीर, मेरी फोटो और आपकी फोटो क्या है? जैसे हमारे मन में बीत रही है हम वही, जैसे आज हमारा दिन गुजरा है हम वही गए, जैसे आज हम दिन गुजार के आए। क्या भगवान के भजन में, भगवान के चिंतन में गुजार के आता, हम वही है। आज आपका दिन कैसे बीता, हम आप वही हो। आज दिन में विचार कैसे आए, आप वही हो। इसी तरह अगर रोज विचार आए तो वो स्वभाव बन गया, वो कर्म ऐसे होंगे, कैरेक्टर आपका वैसा हो जाएगा। हाई कैरेक्टर, सोच लेना, मेरा समय तो समाप्त हो गया, अब आप सोच लेना। विचारों का नाम इंसान है। विचार तीन प्रकार के होते हैं, तमोगुणी प्रधान, रजोगुणी प्रधान, सतोगुणी प्रधान। तमोगुणी प्रधान इंसान दरिंदो परिंदो चिंदो में जन्म लेते हैं, हाई। रजोगुणी इंसान जो है बड़े बड़े ऐसे घरानों में लेंगे जहां बहुत कुछ करना पड़ता है, वो बड़ी मेहनत मारनी पड़ती है। सतोगुणी इंसान नेक माँ बापों के घर, जैसे आपका जन्म हुआ होता है, जिनके माँ बाप आस्तिक, परमात्मा के प्यारे,
भगवान का डर रखने वाली ऐसे घरानों में होता है। इसी कारण से आपने सतगुण बड़ा हुआ तो मेरे जैसे आपको मिल गए, शास्त्र आपको मिल गया, ऐसा एकांत स्थान जैसे मानो स्वर्ग में आप बैठे हुए हैं, वैकुंठ में आए बैठे हैं। यह आपके अपने सतोगुण के बढ़ने के कारण, वरना थोड़े फासले पर क्या है सिनेमा हॉल है, और थोड़े से फासले पर शराब खाना है, और थोड़े से फासले पर आपका सत्संग भवन है, थोड़ा फासला है। क्या मुकद्दर अपना अपना, संस्कार अपने अपने, सबकी सबकी जीनत जुदा, सबकी फितरत जुदा। भगवान ने स्पष्ट कहा अपने 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 संस्कार है मेरी भगवती। कोई इस वक्त मेरी बेटियां सिन में बैठ रही हैं, गदगद कर रही हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, हाँ कोई शराब खाने बैठे हुए मस्त हो रहे हैं गिर रही हैं, कोई क्लबों में बैठे मनमानियां कर रहे हैं जुए खेल रहे हैं या नाचो गाना हो रहा होगा, कोई पार्क में बैठे हुए अपनी आंखें लड़ा रहे होंगे, और कोई आप जैसे वही अंबाला में रहने वाले भगवान के पास बैठ करके उनकी वाणी सुन रही है, हाय गाय गाय गाय, अपना प्रलोक बना रही है, वही हुई अपने अंतःकरण को निर्मल कर रही है, वही हुई आप ये सुन रहे हैं कि इंसान विचारों का पुतला, उधर वो भी तो इंसान है, सिनेमा में क्या होगा, पार्क में क्लबों में क्या होगा, शराब खाने क्या हो रहा होगा, और इधर भगवान के दरबार में क्या हो रहा है। इंसान को इंसान की परिभाषा बताई जा रही है, इंसान को मालिक के नजदीक पहुंचाया जा रहा है, इंसान को रियलाइज करवाया जा रहा है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और ये गलती ना करें। वाह, वो भी इंसान, तमोगुणी भी इंसान, रजोगुणी भी इंसान, सतोगुणी, लेकिन उन सब के संस्कारों के अनुसार अलग अलग स्थान, अलग अलग इंसान, अलग अलग स्थान, हा और अलग अलग उसका फल। शाबाश, और विचारों में बुलंदी दिखलाओ मेरे बच्चे, और विचारों में पवित्रता दिखाइए कि हमारे विचार और अच्छे हो जाए, और भी अच्छे, चूंकि इसका फल बहुत अच्छा मिलता है जी, बहुत शांत रहता है। ओ मेरी माता, ओ मेरी नेक नेक बेटियों, मेरे बुजुर्गों, मेरे होशियार भाइयों, और भी अच्छे हो जाओ, अच्छे बन गए ना, इससे और अच्छे बनो। ये याद कीजिए, गुड, गुड के बाद क्या होना चाहिए, बेटर, बेटर के बाद बेस्ट। नाउ यू आर गुड, नाउ यू मस्ट बिकम बेटर। अगर बेटर हो तो बेस्ट के बाद भगवान की जात में तलीन। ओ बेटी श्रेष्ठ, हिंदी बोलेंगे हाँ श्रेष्ठ आप हैं, श्रेष्ठतर बन जाओ, फिर श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, बेटर, बेस्ट, और अच्छे बनो, विचारों को और अच्छा करो। एक बात अखीर में कह दूं, जैसे मैं ये कह के समाप्ति कर रहा हूं, विचार कब अच्छे होती हैं ये याद रखना। दो ही बातें मुझे अपने गुरुओं और आचार्यों से मिली है, एक तो प्रातः काल उठ के भगवान का भजन किया जाए, कभी ना भूलना, एक जो 12वें अध्याय के गुणों के अनुसार अपने को ढाला जाए, जो भगवान गुण बता रहे हैं, इन गुणों के अनुसार अपने अंतःकरण को सुसज्जित किया जाए, एक प्रातः काल उठ के भगवान के चरणों में हाजिरी दी जाए। पति पत्नी का प्यार कब रहता है, इसमें भी दो बातें हैं, एक तो एक दूसरे की आज्ञा मान लेनी चाहिए, इनकार नहीं करना चाहिए, हाँ एक दूर नहीं रहना चाहिए, नजदीक रहना चाहिए, ये नहीं कि तू कहीं और वो कहीं, 6-6 महीने बाद मिलो तभी तलाक होती है, तभी मेरी बेटियों को मौका मिलता है मनमानी करने का और भाइयों को मौका मिलता है मनमानी, एक नजदीक रहना चाहिए, एक आज्ञा माननी चाहिए। तो सतोगुण का बढ़ता है, एक प्रातः काल भगवान के नजदीक रहना चाहिए, ओए होए, एक गुण को अपने नजदीक रखना चाहिए, तभी आपका सतोगुण बढ़ेगा मेरे बच्चे। मैंने रास की बातें अपनाई है, रास की बातें आपको बता रहा हूं, कदर करना इस सत्संग की और भगवान के इन विचारों की। बिगड़ी बन जाएगी कब मरना, मैंने भी यह शरीर आपने भी छोड़ना, पर मजा आता है चंद्र जिंदगी काटने का और मजा आएगा शरीर को छोड़ देने का। हैप्पी टू लिव एंड हैप्पी टू डाई, कितनी मजे की बात है, खुशी से जियो और खुशी से वक्त आने पर शरीर को छोड़ दो, छोड़ना तो है ही पर हैप्पीली ग्लैडली छोड़ेंगे। ए समझाओ मां दी, क्या कहूं, कमली मां दी सियाणी दी, मां दे तेरी कमली रमली, ए कमली, मैं पहली बार कह रहा हूं आपको, कमली मां दी सियाणी दी, ओए कमले पिता के सियाने बेटे, पिता तो आपके भोले भाले, देख ले अब उसके सियाने बेटे बन रही है, एक कमली मां की सियाणी दी, और अच्छे बनो, और अच्छे बनो, भोली भाली आपकी मां, और आप कितने होशियार बनते जा रहे हैं, पता नहीं क्या मोती दान करके आएंगे, और अच्छे बनो, प्रातःकाल जरूर उठा करो, और जो 12वें अध्याय में भगवान जी ने गुड क्वालिटीज बताई है वो हमारी बन जाए, है हा हा वो मेरी बन जाए, हमारी बन जाए, वेरी वेरी गुड, बस मौज बहार, फिर आप क्या होंगे, श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर, नाउ यू आर गुड, वेरी जल्दी वेरी सून यू विल बिकम इन बेटर, फिर बेटर से बेस्ट, फिर तो जीवित तलीन हुआ भगवान की जात के अंदर।
बड़ा कमाल का प्रश्न, प्रभु उनमें श्रद्धा तो है लेकिन शास्त्र के अनुसार नहीं श्रद्धा, श्रद्धा का दुरुपयोग हो रहा है, जहां वो जाती है उसके अनुसार नहीं बनाते अपने आप को। बड़ा कमाल का प्रश्न हो गया। भगवान ने जवाब दे दिया, हाँ अर्जुन तीन प्रकार के जो इंसान होते हैं, तमगुनी रजोगुनी सतगुनी, और उनको फल भी उसी प्रकार मिलता है। ये जमाने में आप देख ही रहे, तीर्थों पर जा रहे हैं, मंदिरों में जा रहे हैं, गुरुद्वारों में जा रहे हैं, पर मजाल है जहां जा रहे हैं उसके अनुसार अपने आप को ढाल ले। बेटी जहां पे जाती है, कितने तीर्थों पे जाती है, तोबा मेरे रब्बा, ओए हजारों की तादाद में जाती है लोग, है लेकिन बस गए क्या, बुद्धू बन के गए, बुद्धू बन के आ गए, ये फायदा क्या हुआ। बुद्धू बन के जाते और हम दाना बन के आते। ये देखिए रामायण की शुरुआत, कई बातें बुरी बुरी अच्छी लगी। क्या कहती है कि जो मेरी रामायण के अनुसार गुसाई की शुरुआत अपने जीवन को बनाएगा वो कौए हंस बन जाएंगे, कौए कौए हंस बन जाएंगे, बगले हंस बन जाएंगे, जिन जो रजोगुणी तमोगुणी जीव होंगे वो सतोगुणी बनते जाएंगे। पर गुसाई जी फिर रो पड़ते हैं, हनुमान प्रकट हुए, क्यों आप आंसू बहा रहे हैं और लिखनी आपने बंद कर दी कलम, ये क्या कर दिया, लिख तो दिया पिक होई मराला, हां आज छपाई बनाओ, कैसी बनाओ, क्यों रजोगुणी तमोगुणी जीव आएंगे ही नहीं, यहां पर सत्संग सुनेंगे ही नहीं, क्यों गृह कारज नाना जंजाला, ती अति दुर्गम शैल विशाला, उनकी तो कामना है, धंधे इतनी है, गृह कारज नाना जंजाल, इतने जंजाल है, हाँ वो नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जो आएंगे वो उनके पड़ोसी नहीं होंगे। देखो कैसे भूल भुलैया में डालते हैं हमारे हनुमान जी, जो जैसे आप आए तो आपके पड़ोसी नहीं होंगे, आपके पड़ोसी नहीं है हर्षो, है पड़ोसी है, तो देखा देखी नहीं आएंगे, बाबा जरूर आएंगे देखा देखी, हाँ फिर क्या होगा, आवत नींद जुड़ाई हुई, उनको रस ही नहीं आएगा। क्या गुसाई जी लिखती है, आवत नींद जुड़ाई गोई, हाय आवत नींद, आप तो एक काल से सुन रही हैं और वो उनके मुंह से लारियां निकल रही हैं, उनको नींद आ रही है। हा तो मेरे हनुमान जी ये तो बड़े विघ्न है, कौन सुनेगा, जो पहुंच गया वो तो रामायण सुनेगा नहीं, हाँ जो सतोगुनी है वो पहले ही अपना रहे, तो रजोगुनी तमोगुनी के लिए मैं लिख रहा हूं तो उन्हें आना ही कोई नहीं, ये तो बड़े विघन है समाज में, कामनाएं वासनाएं इच्छाएं उनमें रजोगुण बड़ा हुआ तो क्या मतलब, मेरे रामायण लिखने का मतलब क्या हुआ। हाँ कोई नहीं, तुम रामायण लिखो, ये चौपाई लिखो, मैं लिखवाता हूं, ये लिख के करो, क्या जब कोई आदमी पुरुषार्थ करेगा और ये उनमें उठ उठ मैं कुछ कर लू, मेरे गंदे कर्म है, मेरे गंदे लक्षण है, मैं कुछ कर लू, हाँ तो ले लिख, ये कहती है, जैसे मैंने पढ़ा मैं आपको बता रहा हूं, ये हनुमान जी लिखवाई है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर विघन न व्यापे कोई। हाय गुसाई जी ने कहा है, नहीं गुसाई जी ने गीता की नकल मारी है नकल मारी, हाँ गुसाई जी ने अपने मन से कौन ही लिखा, ना राम ने लिखवाया, ये नकल है, क्या भगवान ने खुद ये सिद्धांत बना दिया है, क्या न कोशिश इसमें कोई रायगा, हो रस्ते में उसके रुकावट कहा, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जा, इसलिए मैं जुरत कर रहा था, गुसाई जी ने नकल मारी है गीता की, गीता का सिद्धांत ले लिया और उधर प्रकट कर दिया, जहां पर कृपा राम की हुई ता पर विघन न व्यापी। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद। अब अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। Time.
भवन सुखना सभी संतु निराया सभी भद्रान पश्यंतु माता ची दुर्भाग बने हरि ओम शांति 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 ओम प्रभु स्त्रे भगवान कृष्ण की गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इस देव हार्दिक धन्यवाद।